हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का डोसा। इसके लिए मैंने यहाँ पर आलू वाले के लिए चढ़ा दिया है। अब चलते हैं उसका बैटर तैयार करने। बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ये कटोरी ले लिया है। इसी कटोरी से हम एक कटोरी सूजी लेंगे। तो आप लोग को हम बैक कैमरे से दिखला रहे हैं आप लोगों को। और बैक कैमरे में जाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आप लोग ज़रूर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का वो घंटी होता है उसको प्रेस करें। तो चलिए जो जो हम लेते हैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखला देते हैं। आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ आप लोग कॉमेंट ज़रूर किया कीजिएगा कि कैसी लगती है आप लोग को मेरा रेसिपी। तो चलिए अब आप लोग को हम बैक कैमरे से लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम कटोरी ले लिए हैं और इसमें हम एक कटोरी सूजी लेंगे। इसमें कम से कम 10-12 बन जाएंगे। ये मिक्सी जार में हम डालेंगे। इसके बाद और ये बेसन है, एक चम्मच हम बेसन लेंगे, डालेंगे इसमें एक चम्मच। और यहीं पे हम एक चम्मच गेहूं का आटा डाल देंगे। अभी सबको हम अच्छी तरह से मिक्सी में चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, पिस गए हैं मेरे। अब इसको दूसरे बर्तन में हम डाल लेंगे। इस कटोरी से हम सूजी लिए थे, उसी कटोरी से हम दही लेंगे। एक कटोरी दही इसमें डालेंगे। अब अच्छी तरह इसको मिलाएंगे हम। थोड़ा इसमें नमक डाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह हम मिलाएंगे। हम मिला के इसको हम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट पर छोड़ देंगे। थोड़ा सा ये जो दही जिस कटोरा में था उसमें से पानी डाल देंगे। हाथ में कैमरा है फ्रेंड, इस चलते मिलाने में हमको नहीं बन रहा है, इसलिए कैमरा हम रख रख के मिला रहे हैं। अब इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। ये देख लीजिए फ्रेंड, मैंने मिला लिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट पर छोड़ देंगे। यहाँ तवा मैंने चढ़ा दिया है। अब इस पर हल्का तेल, इस पर इसको हम हाई फ्लेम पर ही रखे हुए हैं। अब इसको अच्छी तरह से चारों बगल लगा देंगे कपड़े के मदद से तेल को। गैस कम कर ले, पानी डाल के इसको ठंडा करेंगे हम। ठंडा होगा तब तक यहाँ पर हम, ये देख लीजिए 15-20 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं। अब इसमें पानी डाल के अच्छी तरह मिला लेंगे। इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी हो इसमें डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब। अब इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से इसको मैश कर दिया है। तवा को अच्छी तरह से हम पोंछ लेंगे। डालने वक्त लो मीडियम ही रहेगा। हो गया। अब इसके रिफाइंड तेल डाल देंगे, चारों बगल से डाल दें आप लोग। जब इसका सीम हम तेज कर देंगे, लो टू मीडियम करेंगे, ज़्यादा नहीं, लो टू मीडियम कर दिए हैं। अब ये पक रहा है। ये देख लीजिए, चारों बगल मैंने तवा ऐसे ऐसे करके पका लिया है। कलर देख लीजिए। अब इसमें हम चोखा डाल लेंगे। इस तरह से चोखा रख ले, फोल्ड करेंगे पहले ऐसे। देखिए कितना कुरकुरा हुआ है। फिर इधर से ऐसे, ये देख लीजिए मेरा सूजी का
डोसा बनके तैयार है। तो आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट आप लोग ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड डोसा बन के मेरा तैयार हो गया है, इतना क्रंची है फ्रेंड देखिए। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट आप लोग ज़रूर करें। सूजी का रावा का डोसा बनके तैयार है।